नेक्स्ट क्वेश्चन uh, 2015 का सवाल है क्वेश्चन से इज पैल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ई एम एफ वी एंड देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम इट अ डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट के विच कैन जस्ट फिल द एयर गैप ऑफ द कैपेसिटर इज नाउ इंसर्टेड इन इट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट यहाँ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है स्टेटमेंट uh, पूछा है विच ऑफ दैम इज इनकरेक्ट पहला ऑप्शन है द चेंज इन एनर्जी स्टोर इज हाफ सी वी स्क्वायर ब्रैकेट में वन बाय के माइनस वन या फिर चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व तीसरा ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेज बाय वन बाय बाय के टाइम्स चौथा ऑप्शन है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजिज बाय के टाइम्स नाउ अगेन ये हम क्लास में इसका डेरिवेशन करते हैं इन चारों चीजों पर कई बार डिस्कशन होता है क्लास में सो एक बार यहाँ इस सवाल को फिर देखते हैं कि हमने क्या किया है कि कैपेसिटर को फुल चार्ज किया वी वोल्ट की बैटरी लगा के है और ये आपका कैपेसिटर इसको फुल चार्ज किया उसके बाद हमने बैटरी इससे डिसकनेक्ट कर दी तो so, बैटरी जब हमने डिसकनेक्ट करी है आपका कैपेसिटर हो गया उसके बाद हमने इसके अंदर एक डायलैक्ट्रिक ऐसे फिल कर दिया जिसकी वैल्यू डायलैक्ट्रिक की कॉन्सटेंट के है हालांकि right. अब इस केस में हमारे ऑप्शन हमें बताना है क्या क्या चीज़ें होंगी पहली चीज़ तो यहाँ पे जो करे इनकरेक्ट ऑप्शन है वो तो डायरेक्ट हमें यहाँ से देख सकता है कि इस वाले केस में जो इसके ऊपर चार्ज पहले सी था सी वी बिकॉज हमें पता है क्यू इक्वल टू सी होता है वो चार्ज जो पहले सी था और वही बाद में भी चार्ज सी रहेगा सो यहाँ पे आपका जो आ, चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा एंड हेन्स हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी चार्ज इज़ नॉट कंजर्वड इज रॉन्ग स्टेटमेंट हालांकि उस वजह से उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा right? पर एक काम करते हैं बाकी तीनों स्टेटमेंट को भी एक बार चेक कर लेते हैं सो यहाँ जब आपने इंसर्ट किया डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो आपका जो कपैसिटेंस है न्यू कपैसिटेंस सी डैश वो हो गया के टाइम सी आपका कपेसिटेंस बढ़ जाएगा कपेसिटेंस uh, बढ़ने की वजह से हम जो यहाँ पे कहते हैं कि आपकी जो एनर्जी होएगी आपका कपैसिटेंस बढ़ गया एक बार इसमें हम वो करते हैं इनिशियल एनर्जी जो होएगी पहले आपकी इनिशियल एनर्जी थी हाफ सी वी स्क्वायर और जब आप यहाँ फाइनल एनर्जी की बात करेंगे सो so इस केस में क्योंकि आपकी एनर्जी जो है उसको हम यहाँ लिखेंगे आपका क्यू सेम है तो एनर्जी को हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू सी एक काम करते हैं इसको भी सेम फॉर्मेट में लिख लेते हैं क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू सी तो इस केस में जो हमारी एनर्जी है इसको हम लिख सकते हैं अब यहाँ पे यह आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू सी के तो इस वजह से अपनी एनर्जी यहाँ पे कम हो जाएगी अब अगर हम आ, एनर्जी में चेंज देखना चाहें तो डेल्टा एनर्जी को हम लिखेंगे यू फाइनल माइनस इनिशियल उसको आप लिख सकते हैं ये आ गया क्यू स्क्वायर बाय टू सी और ब्रैकेट में बचा वन बाय के माइनस वन और क्यू स्क्वायर बाय टी सी टू सी को हम हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो ये आ गया वन बाय के माइनस वन सो पहला स्टेटमेंट उस हिसाब से आपका सही हो गया विच uh, सेज़ कि आपका चेंज इन एनर्जी इतना आएगा विच इज़ हाफ़ सी वी स्क्वायर वन बाय के माइनस वन अब थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट को भी देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका uh, वो ऑप्शन दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा उसको भी होगा वेरीफाई कर लेते हैं सो so, आपका जो पहले पोटेंशियल डिफरेंस था वी आई वो तो आपका वी था वी uh, फाइनल जो है क्योंकि यहाँ पे चार्ज कंजर्व है तो V फाइनल हमें पता है Q इज इक्ल टू सी से हम लिख सकते हैं इम्प्लाईज V इज इक्ल टू क्यू बाई सी तो वो हो जाएगा V डिवाइडेड बाय सी के या के सी सो V डैश जो आ गया वो हो गया आपका V इनिशियल डिवाइड बाय K टाइम्स तो या थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस वन बाय के टाइम्स हो जाएगा अब चौथा स्टेटमेंट जो है आ, एनर्जी स्टोर्ड ऑलरेडी वो ऑलरेडी हमने चेक और वेरीफाई कर लिया कि आपका एनर्जी स्टोर्ड वन बाय के से कम हो जाएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट चॉइस